अबे भाई क्या सीन हो गया यहाँ पे यार। क्या बोल रहे? गाय को उठाओ, कहीं और शिफ्ट करो, हटाओ। कौन हटाएगा? छोड़ दे तुझे यार, बिगाड़ने की नहीं करो भाई। अभी क्या कह रहे हैं भाई? लड़का वो आया था, वो पता नहीं उसको, छोड़ो उसको, वो ऐसी मस्ती वाले बच्चे। मोहल्ले में अगर हफ्ते 10 दिन की बात होती है, ठीक है, हर घर के बाहर खड़ा हुआ है। और जिस अरे सर मैं बताता हूँ, घर बार कम्प्लेन होगी, क्या हुआ होगा। यहाँ गाय खड़ी है ना, हमारा घर है, हमारे घर के नीचे खड़ी, हमें कोई मत। और वो जगह हमने किराए पटी हो चुकी है भाई। पुलिस पुलिस आ गई है भाई, बोलिए गाय वहाँ साइड पे करो, ये तेरे को कुछ नहीं होगा, टेंशन। अच्छा मेरे को क्यों मार रही? ये जगह हमने ली हुई थी किराए पे, बोले शोर शराबा ये वो, तो ये फटीक हो गई थोड़ी बहुत। गाय फुल चिल में है, गाय का कोई मसला नहीं है। आंटी ने पुलिस बुला ली थी क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा होता है ना यार, कोई सीन हो गया। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। क्या टाइम हो गया यार, रात के 4 बज गए। सारा तमाशा द एंड हो गया। यहाँ पे अभी सुकून से बैठी हुई गाय भी और हम भी। अभी तक यार मैं इसको सेट नहीं कर पाया यार, मसले इतने है ना यार, क्या करूँ, गुस्सा नहीं करना। आज इसको नहलाया, रोज रोज यार इतने मसले होते हैं ना यार, फटीके ही फटीके। ये भी तंग हो गई है थोड़ा। मोहल्ले में गाय बांधना एक मुसीबत हो जाती है, कभी कोई कंप्लेन कर देता है, कभी कोई कंप्लेन कर देता है। यहाँ से किसी की गाड़ी नहीं निकल ली तो भाई कंप्लेन, गाय बांधी हुई है, ये रौनक लगी हुई है, उस पे भी मसला। ईद के दिन ही तो होते हैं यार रौनक वाले, और तो कोई दिन होते नहीं है। ईद में सिर्फ 10 दिन रह गए यार, पता भी नहीं चला क्या सीन हो गया ये। और पुलिस वगैरह का जो सीन हुआ था वो ये सीन था कि वो बोल लेते हैं यहाँ से गाय वाय हटा लो क्योंकि रौनक होती है, शोर शराबा होता है। लेकिन हमने जगह रेंट पे ली हुई है जहाँ पे मट्टी चारा वगैरह उसका डाला हुआ है। मैं इसको नहीं हटाने दूंगा यार, 10 दिन रह गए ईद में यार, ये लोग कोऑपरेट नहीं कर सकते। पता भी नहीं चलता, ईद आती है चले जाती है, गाय लाते हैं कुर्बानी हो जाती है। दिल चाहता है सुकून से इसको पूरी रात प्यार करते रहूं, सहलाता रहूं, और बस इसी तरह सुबह हो जाए। भाई क्यों गुस्सा कर रही है? नींद भी घटा घटा आ रही है। वैसे यार इसकी अब चोट नजर नहीं आ रही मुझे, ये रही है छोटे मोटे जख्म है, अब ये तो बेहतर हो गए। नीचे वाला तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। चोट वगैरह जो उसको लगी थी गाड़ी से गिरने के बाद, उसके बाद तो ये काफी बेहतर हो गई है। हमने दवाई वगैरह लगाई है, पॉलीफेक्स पायोडीन सारी चीजें टोट के आजमा ली है घर के। अभी इसका लास्ट रात का मैं चारा बनाने लगा हूँ, पानी तो रात में पिलाते नहीं है। इतनी शदीद गर्मी है ना, उसमें मैंने उसको चारा बना के दिया है। सुबह मिलता हूँ। The next morning। चल भाई उठ जा, बिला वजह जानवर को उठाना पड़ रहा है यार, जानवर को तकलीफ हो रही है। अभी बताता हूँ क्या मसला हुआ है। आ जा यार बाहर आ जा, मैं चाहता नहीं हूँ तेरे को तंग करना, लेकिन बिस्मिल्लाह, ओए होए होए माशाल्लाह। अभी सीन क्या है मैं बताता हूँ, ये जगह से क्या जगह का मसला हुआ है कुछ। इसको भी यहाँ कोने पे प्लॉट पे लाके बांधा है, इसको रखने से मसले हो रहे हैं यार, गली वाले परेशान हो रहे हैं यार इससे। अभी बोल रहे हैं रश हो रहा है, ये देखो, ये देखो यहाँ कितना परेशान हो रहा है ये देखो, अब मुझे भी मारेगा, अरे मुझे भी मार रहा है। कंप्लेने कर रहे हैं भाई गाय खड़ी करने पे, गोबर की बदबू आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है। भाई हम सब साफ सुथरा करवाते हैं और खुद भी साफ सुथरा ही रखते हैं जहाँ भी गाय खड़ी हो, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से लीगली इसको हैंडल करेंगे। अबे यार गाय को भूख लग रही है। अबे पेट्रोल वाले किधर घूम रहे हैं, हरा ही लिया कम से कम, पेट्रोल डलवा देना थोड़ा। अबे जब देखो तेरे पास बाइक में पेट्रोल नहीं होता है, आज तो मैं चेक करूंगा तेरी बाइक में कितना पेट्रोल है। झूठ बोलता है, नहीं खाली है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। अबे हट मैं देखूंगा कितना पेट्रोल नहीं है। अबे तो पूरी टंकी भरी हुई है। अबे वो मेरे को रात को जाना है, न्यूज़ी जाना है। अब तो सच बोल दे। इसको थोड़ा अभी घुमाने टहल पे लेके जा रहे हैं, जब इसकी नट पकड़ लो ना तो ये सुकून में आ जाती है। सुकून में मतलब कंट्रोल में आ जाती है, पकड़ना लाजमी है। शाम का टाइम है, इसको शाम में हम पहली बार टहल पे लेके जा रहे हैं। भागो नहीं यार, एक बच्चे भागते हैं ना तो फिर ये थोड़ा सपाटा हो जाता है। 3 डब्बे वाले बिछा के रखना पाओ। हाँ भाई गधे लड़ेगा अपने शेर के साथ। आ रही है बात, हमें ही ना घुस जाए। भाई भाई बाबा मरेगा बच्चे, लात पड़ी है बच्चे को, पड़ी है भाई लात। ये कीड़े वाले बच्चों के साथ यही होना चाहिए भाई, पढ़नी चाहिए लात, फिर ये सुधरते हैं। सुकून से जानवर जा रहा है पीछे से, डब डब डुब डुब कर मजा तो आ रहा है ना यार तुम्हें। तुम टेंशन नहीं लेना, भले जो भी हो, मसले तो बहुत हो रहे हैं, इलाके वाले से लेकर हर कोई कर रहा है, लेकिन खैर वाली बात है, हम डील कर लेंगे, वो टेंशन नहीं लेनी। तुम्हारी जितनी हो सके हमसे हम देखभाल करेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, ऐश कराएंगे फुल। आ गया वापसी अपनी जगह पे, अब यहाँ पे खुश हो जाएगा। बांधे 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 वापसी, इसको यहीं पे बांध देते हैं। अबे क्या चल रहा है अंदर, इतना रश क्यों जमा हुआ है, क्या हो रहा है? गाय का खाना बनाना है। अबे तो इतनी आवाम देख रही है, गाय का खाना नहीं हो गया। भाई जुबैदा आपा यहाँ पे चारा बना रही है, स्पेशल युगांडा से एक्सपोर्ट किया है बंदा हमने ये। थैले में डाल देते हैं गोबर। वो भाई गोबर यहाँ कोने पे फेंक दिया, वहाँ कचरा कुंडी में फेंकना था। ऊपर से आंटी शोर मचा रही है, बोली है भाई गोबर यहाँ क्यों फेंक दिया। अब पानी का छिड़काव हो रहा है भाई इसके ऊपर। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं और फिर गाय को खिलाते हैं। माशाल्लाह यार खा रही है, खुद हाथ से बना के खिलाओ और फिर गाय खा रही है। मैंने बनाया, इनका भी मौका भी है की आप खाली प्लाटों में जो लगाए। फिलहाल यार तरपाल वगैरह खोल लें क्योंकि फटी हो गई है थोड़ी बहुत, और गाय भी अभी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। गाय आगे पीछे बांधी है, दिखाता हूँ मैं उसकी जगह थोड़ी सी हम चेंज कर रहे हैं। पूरा छपरा ही साइड पे कर दिया यार, सारी रौनक वौनक खत्म। यहाँ पे इतने कांटे वाटे हैं ना, ये देखो यार गाय के पैर से खून भी निकला है। हम तो फुल सेव करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मसले इतने हैं ना, क्या करें। ऐसी गंदी जगह पे बांधा है ना कि कचरा खा रही है, कचरा कुंडी। पेड़ से देखो कि चोट लग जाएगी, गुस्सा भी कर रही है। अब ये 10 दिन बर्दाश्त हो जाएगी, परमिशन देके जा रहे हैं कि यहाँ बांधेंगे। 1 hour later करते हैं अब दिमाग ठंडा। चीज तो बढ़िया है। गाय की जगह हमने चेंज कर दी है क्योंकि इलाके वाले काफी मसला कर रहे थे। एक बंदा करे तो चलो अच्छा बनता है, लेकिन हर कोई कर रहा था कि भाई ये गोबर क्यों पड़ा हुआ है, ये क्यों है, वो क्यों है। दूसरा प्लॉट में जाके बांधा तो उसके खून भी निकल गया, चोट भी लग गई। तो क्या हो गया, मोहल्ले में गाय आई है। अलोड़ी घोड़ी जल्दी आ, गाय आई है, जल्दी आ, चलो कर तो जल्दी जल्दी। अबे हाँ यार वाकई में गाय तो आई है। निकाल लेना दो, अनलोडिंग कर रहे हैं। अनलोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है। तो कहीं हमारी जैसी अनलोडिंग ना हो जाए जैसे हमारी गाय की हुई थी। अबे ये सही है यार, पटरा वटरा भी है। हमारी गाड़ी वाले ने तो नहीं उतारा ऐसा, डायरेक्ट ही फेंक दिया। तो अच्छी गाड़ी लाता। अबे अपना ही जानवर तो नहीं है हमारा, जो उठा के नहीं डाल दिया अंदर। एक तो सुकून से आ रही है यार माशाल्लाह। अरे 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 हो गई, एक की तो हो गई, एक और भी है, एक और आ रही है भाई। बिस्मिल्लाह, डर अब मैं ना घुस जाए। चल मोड में आ रही है तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। वाह भाई वाह। और ये 255 की लिए और वो लिए 270। गाय तो वहाँ सुकून से उतर गई यार क्योंकि बच्चे बच्चे नहीं थे ना, शोर शराबा नहीं हो रहा था। फिलहाल आपका भाई आया हुआ जरा सा नाश्ता करने। तुम लोग बोलोगे इस टाइम कौन सा नाश्ता यार, रात का टाइम है। क्या टाइम हो रहा है, ये 3 बज गए भाई। हमारा इसी टाइम नाश्ता होता है, फिर सो जाते हैं हम। ये तो बढ़िया यार, लेकिन अभी गाय को भी खाना देना है यार। गाय बेचारी किस हाल में बैठी होगी देखना पड़ेगा। ये क्या आप चाय भी पी रहे हो? चाय भी पियेंगे भाई, मैं तो चाय वाय पीता नहीं हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पे गुजारा कर लूंगा। फाइनली गाय के पास आ गए अपनी बंदूक। क्या सन्नाटा भाई, ख्याल होगी तो फिर जिंदा ना हो जाए। ये तो सुकून से सो रही है यार, इधर इसका चारा भी खत्म हो गया। भूख लग रही है तुम्हें? अच्छा सॉरी ना यार, थोड़ा लेट आया हूँ मैं। इस टाइम ना इसको टहल पे ले जाने के लिए अच्छा वक्त होता है। चलना है ना फिर टहल के लिए, बेचारी को इतने मसले झेलने पड़ रहे हैं। कभी इसको हम कहीं लेके जा रहे हैं, कभी इसको हम कहीं लेके जा रहे हैं, पक्का ठिकाना नहीं हो पा रहा ना यार इसका। इंशाल्लाह इसका अभी पक्का ठिकाना हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी तुमने। पाँव में जो इसके चोट लगी थी उस पर मरहम तो हमने लगा दिया था। आंसू आ रहे हैं इसकी तो आंखों से यार, अभी से रो रही है। तो अभी तो ईद में 10 दिन है, सही में आंसू आ रहे हैं यार। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं इस पर कब से हाथ फेर रहा था, बिल्कुल सो गई है। क्या डिलीशियस खाना बनाते हैं। अबे यार इतनी देर हो गई, चारा ही नहीं लाके दे रहे तुम लोग। अबे सही से बनाना होता है भाई। अब डालेंगे हम भूसी। 1 मिनट, तू वॉशरूम गया था उसके बाद तूने हाथ धोया था? हाँ भाई पसंद तो आ रहा है ना खाना। इसने बाथरूम जाके हाथ नहीं धोया था, बाकी तो खैर है, गुजारा कर लो यार। आज अब क्या करें भाई, आपके भाई ने गाय खोल ली है। इधर भाई मोहल्ले में भी गाय आ गई है लोगों की यार। ये बछिया आ गई है, बछड़ा भी आ गया है, बकरे ही बकरे हैं भाई, बकरे ही बकरे। ये क्या है भाई, धुम्बा। फजर का टाइम हो रहा है और मैं आज जाग रहा हूँ, और इसको टहल पे ले जाने का अलग ही सुकून है यार। फजर में इसको भी सुकून मिल रहा है, हमें भी सुकून मिल रहा है। पर इसको मैं ढीला भी छोड़ दूंगा ना, देखो कहीं भी नहीं जा रही। अब पुरानी जैसी गाय हो गई है, वैसे ये सेट कर दिया है। देखो ना, ना मार रही है ना कुछ कर रही है, सुकून से जा रही है। इसको मैं रस्सी छोड़ दूँ, दिल चाह रहा है। बहुत घुमा लिया यार इसको। फजर के टाइम तक जागते हैं तो भाई नमाज जरूरी है, सबसे पहले नमाज पढ़ के आते हैं। सुबह हो चुकी है भाई मुकम्मल तरीके से, गाड़ी वगैरह भी खड़ी कर दी है। बाकी फिलहाल तो अभी कबाड़ बना हुआ है, इसको सेट करते हैं हम, इस जगह को अच्छे से मेंटेन करते हैं। बाकी तुमसे भी अभी मैं जा रहा हूँ। अबे यार मार रही है, अभी तो घुमा के लाया हूँ। सही है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तुमसे भी अब मैं शाम में मिलता हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चौकीदार भाई खाना वाना पीना वीना दे देंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे लगाता हूँ फुल स्टॉप। लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अब हमें 1.5 मिलियन की तरफ जाना है यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दिया करो यार। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।